दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, नीम। पुराने ज़माने में लोग नीम के पेड़ को ज़रूर अपने आंगन में, बाहर गलियारे में लगाते थे, जिससे उसकी शुद्ध हवा से वातावरण एकदम शुद्ध रहता था और ऑक्सीजन बहुत भरपूर मात्रा में मिलती थी और बहुत ही मतलब उसके उससे नीम के पेड़ से दातून मिल जाता था। बहुत सारे चीज़ें हमसे हमको उससे मिलती थी। नीम की कोमल पत्तियों को आप 4 पत्तियों को 6 पत्तियों को सुबह उठ के डेली चबा के खाइए। आपके दांत में जो कीड़े लगे हैं वो भी दूर हो जाएगा। और डायबिटिक है आपको तो 4-6 पत्ते आप डेली नीम के कोपल जो होता है लाल पत्ते उसको चबा के खाइए, या उसका रस निकाल के 1 गिलास रस को आप डेली पीजिए। आपका डायबिटिक कंट्रोल हो जाएगा और आपके बॉडी को आपके बॉडी में जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है नीम। नीम बहुत अच्छी औषधि है हमारे बॉडी के लिए और नीम का सेवन हमें करना ही चाहिए। और दूसरा क्या है, पेट में कीड़े हो गए हैं तो आप नीम के 4-6 पत्तियों को आप कुचल लीजिए और कुचल के उसका जूस बना लीजिए या मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, पीस के उसको छान लीजिए, रस बना के 1 गिलास पीजिए सुबह शाम, या एक ही बार पीते हैं आप तो भी आपको वो बहुत फायदा करेगा। दांत में कीड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा नीम लीजिए, नीम का पत्ता लीजिए, उसको पीस लीजिए, थोड़ा सा उसके जूस से आप ब्रश में लगा के उसके जूस को और ब्रश करिए, देखिए आपके कीड़े खत्म हो जाएंगे और आपका दांत भी स्वस्थ हो जाएगा। नीम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी औषधि है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नीम पूरे मानव जाति के लिए नीम का बड़ा महत्व है। पहले लोग नीम के पेड़ को अपने घरों में लगाते थे, अभी भी हम लगाते हैं नीम के पेड़ को जब रात में सोते हैं। बुजुर्ग लोग, पंखा नहीं हुआ करता था, मुझे याद है हम गाँव जाते थे छोटे थे तो नीम का बहुत बड़ा पेड़ था हमारे आंगन में, हम लोग सब नीम के पेड़ के नीचे ही बिस्तर लगा के हमारे बब्बा दादा सब वहाँ सोया करते थे। हम लोग भी उसकी ठंडी ठंडी, पंखे कूलर तो थे ही नहीं उस जमाने में, हम लोग उसी की ठंडी हवा में सोया करते थे। और उन लोग मेरे बब्बा खुद 100 साल हो के तक जीवित रहे, एक साल में उनकी डेथ हुई और वो आखिरी दम तक एकदम स्वस्थ थे और साइकिल ही चलाते थे वो। रूसी की समस्या हो आपको तो आप बाल में थोड़ा सा नीम को पीस लीजिए, नीम की पत्ती को उसको बाल में लगाइए और बाल में लगाने के बाद आप सिर को धो लीजिए अच्छे से और देखिए आपका जो रूखापन है बालों का वो खत्म हो जाएगा, रूसी खत्म हो जाएगी और आपके बाल का सेहत भी सुधर जाएगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, नीम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण फर्ज अदा करती है हम लोगों के लिए ऊपर। और ये नीम का पेड़ आप अवश्य लगाइए और नीम का सेवन आप जरूर करिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमारे सेहत को ध्यान में रखते हुए इनका पालन जरूर करिए आप। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।